बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम अरीशा वहीद एंड द टॉपिक दैट आई एम गोइंग टू प्रेजेंट इज़ मेजरमेंट ऑफ वेरिएबल्स ऑपरेशनल डेफिनेशन। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। हाउ वेरिएबल्स आर मेजर्ड, वेरिएबल्स को कैसे मेजर किया जा सकता है, इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले हमें जानने की ज़रूरत है कि मेजरमेंट क्या होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट का जो करेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स होते हैं उसको प्री स्पेसिफाइड सेट ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंग कोई ना कोई नंबर या कोई सिंबल्स असाइन कर दिया जाता है जिनको हम मेजरमेंट कहते हैं। हम कभी भी ऑब्जेक्ट्स को मेजर नहीं कर सकते, हम हमेशा ऑब्जेक्ट्स के जो करेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स होते हैं हम उनको मेजर करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम इधर एक एग्जांपल लेते हैं कंपनी की, तो कंपनी को हम इधर एज एन ऑब्जेक्ट ले रहे हैं और इसका जो एट्रीब्यूट होगा वो होगा ऑर्गेनाइजेशनल अफेक्टिवनेस ऑफ अ कंपनी। तो वो इस एट्रीब्यूट को हम मेजर करेंगे, हम कभी भी कंपनी को सेपरेटली मेजर नहीं कर सकते। हमारे जो ऑब्जेक्ट के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे कि इधर कंपनी का एट्रीब्यूट है ऑर्गेनाइजेशनल अफेक्टिवनेस, तो हम इसको मेजर करेंगे। मेजर करने के लिए हमें तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले हमारे पास ऑब्जेक्ट होना चाहिए, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट के, वो कोई ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, कंट्री हो सकता है, रेस्टोरेंट, कंपनी, कुछ भी ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। फिर उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि उस ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स क्या हो सकते हैं जिनको हमने मेजर करना है। जैसे कि पर्सन, अगर हम फॉर एग्जांपल लेते हैं, तो पर्सन के हमने लेंथ को मेजर करना है, वेट को मेजर करना है, उसकी आंखों का कलर देखना है कि उसका ब्लू है, ग्रीन है, ब्राउन है, क्या है। फिर हमने देखना है कि अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ देखें रेस्टोरेंट की, तो रेस्टोरेंट के खाने का टेस्ट कैसा है, वहाँ की सर्विस क्वालिटी कैसी है, वहाँ का एम्बियंस कैसा है, तो ये एट्रीब्यूट, ये रेस्टोरेंट के एट्रीब्यूट्स में आ जाता है। नेक्स्ट जो मेन चीज़ है मेजर में, वो है जज। जज वो होता है जिसके पास नेसेसरी नॉलेज या स्किल होता है उस चीज़ की क्वालिटी को असेस करने के लिए, और ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर है मेजरमेंट में। नेक्स्ट जो आता है वो आता है ऑपरेशनलाइजेशन। ऑपरेशनलाइजेशन में एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहूँगी एट्रीब्यूट्स के। एट्रीब्यूट जो होता है हमारे ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट जो बेसिकली होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव एट्रीब्यूट होता है और एक सब्जेक्टिव एट्रीब्यूट होता है। ऑब्जेक्टिव एट्रीब्यूट जो होता है उसके लिए हमारे पास अप्रोप्रिएट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी ह्यूमन बीइंग को एज एन एग्जांपल लेते हैं, और अगर हमने उनका, किसी पर्सन का हमने ब्लड प्रेशर चेक करना है, तो ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए हमारे पास बीपी अपरेटस होता है। बॉडी टेम्परेचर चेक करने के लिए हमारे पास थर्मामीटर होता है। वेट चेक करने के लिए हमारे पास वेट मशीन होती है। लेंथ चेक करने के लिए हमारे पास रूलर या टेप, या लेंथ चेक करने के लिए भी हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है अप्रोप्रिएट। लेकिन अगर हमने सब्जेक्टिव एट्रीब्यूट्स को मेजर करना है, तो हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट तो होते ही नहीं, तो उनको हम कैसे मेजर करें। पहले तो हम देख लेते हैं सब्जेक्टिव एट्रीब्यूट्स होते क्या हैं। सब्जेक्टिव एट्रीब्यूट्स होते हैं लोगों की सब्जेक्टिव फीलिंग्स, एटीट्यूड्स, परसेप्शंस, ऑब्जर्वेशंस, जिनको हम इजीली मेजर नहीं कर सकते, और ना जिनके, और इनके, इनको मेजर करने के लिए हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स भी नहीं होते। तो इनको हम कैसे मेजर कर सकते हैं, वो हमारे पास जो टेक्निक है वो है ऑपरेशनलाइजेशन। हम जो हमारे जो सब्जेक्टिव एट्रीब्यूट्स होते हैं उसको हम ऑपरेशनलाइज कर देते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम हमारे जो एब्स्ट्रैक्ट नोशंस और कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको हम ऑब्जर्वेबल बिहेवियर और करेक्टरिस्टिक्स में ब्रेक डाउन कर देते हैं। हमें सबसे पहले ऑपरेशनलाइजेशन में किसी कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होती है, फिर हमने उसको ब्रोकन डाउन करके डायमेंशंस में करते हैं, फिर हम ब्रोकन डाउन करके एलिमेंट्स में करते हैं। तो इधर हम जो एग्जांपल ले रहे हैं, सबसे पहले हम कंस्ट्रक्ट देखते हैं, कॉन्सेप्ट होता क्या है। जो हमने ऑपरेशनलाइजेशन में सबसे पहले हमें चीज़ की ज़रूरत होती है, कोई कॉन्सेप्ट या कोई कंस्ट्रक्ट हमारे पास होना चाहिए, सबसे पहले हम उसकी एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास कोई कॉन्सेप्ट आता है थर्स्ट का। अब सबसे पहले हम थर्स्ट का सोचते हैं कि थर्स्ट क्या है, सब्जेक्टिव है कि ऑब्जेक्टिव है। अब थर्स्ट को हमें मेजर करने के लिए कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट तो होता नहीं है, कोई अप्रोप्रिएट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं जिसे हम किसी की प्यास को मेजर कर सकें, तो ऑब्वियसली ये ऑब्जेक्टिव एट्रीब्यूट तो नहीं है, ये सब्जेक्टिव एट्रीब्यूट है। अब इसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ थर्स्ट को हम कैसे मेजर कर सकते हैं कि हम इसको ऑब्जर्व, अगर किसी बंदे को प्यास लगी है तो उसके बिहेवियर को, उसकी करेक्टरिस्टिक्स को ऑब्जर्व करके कि जितने वो इनटेक, जितने क्वांटिटी ऑफ इनटेक वो फ्लूड्स ले रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम उसकी थर्स्ट का को मेजर कर सकते हैं। अगर वो एक ग्लास पी रहा है, दो ग्लास पी रहा है, तीन ग्लास पी रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग हम उसकी थर्स्ट को मेजर कर सकते हैं, ऑब्जर्व करके मेजर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट आ गया कंस्ट्रक्ट का, और ये जो ऑपरेशनलाइजेशन का सबसे पहला जो हमारे पास मेन है कि हमें ऑपरेशनलाइजेशन में हमारे पास क्या होना चाहिए, कंस्ट्रक्ट का पता होना चाहिए, तो वो हमारे पास कॉन्सेप्ट आ गया। नेक्स्ट अब आता है कि ऑपरेशनलाइजेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डायमेंशंस और एलिमेंट्स क्या है। सबसे पहले हमने कंस्ट्रक्ट की बात कर ली कि कंस्ट्रक्ट हमारे पास होना चाहिए, उसके बाद हमने उस कंस्ट्रक्ट को ब्रोकन डाउन करना है इनटू डायमेंशंस, फिर डायमेंशंस को ब्रोकन डाउन करना है इनटू एलिमेंट्स।
तो डायमेंशंस में अब कैसे करना है. डायमेंशंस में अब इधर हम एग्जांपल देते हैं डायमेंशंस की. सबसे पहले हम लेते हैं एग्रेशन की एग्जांपल लेते हैं. एग्रेशन में क्या होता है, अब हर जो कंस्ट्रक्ट होता है ना उसकी जो डायमेंशंस होती हैं वो एक या एक से ज़्यादा डायमेंशंस हो सकती हैं हर कंस्ट्रक्ट की. तो इसमें एग्रेशन की डायमेंशंस हमने जो ली है, एग्रेशन हमने एज अ कंस्ट्रक्ट लिया है, इसकी जो फर्स्ट डायमेंशन D1 है वो वर्बल एग्रेशन है, और जो D2 हमने डायमेंशन 2 ली है वो फिजिकल एग्रेशन है. वर्बल एग्रेशन जो होता है वो जैसे कि शाउटिंग करना, ऊंचा ऊंचा गुस्सा करना, वो वर्बल एग्रेशन में आ जाता है. फिजिकल एग्रेशन में क्या आता है कि ऑब्जेक्ट्स उठा उठा के फेंकना, दीवारों पे मारना या किसी को फिजिकली हर्ट करना, वो फिजिकल एग्रेशन में आ जाता है. एग्रेशन का जो वैलिड मेजरमेंट स्केल होगा उसमें वो आइटम्स होनी चाहिए जो मेजर करें फिजिकल एग्रेशन को भी, और वो वाली आइटम्स भी होनी चाहिए जो मेजर करें वर्बल एग्रेशन को भी. अगर तो फॉर इंस्टेंस हम निकाल देते हैं वर्बल एग्रेशन को निकाल देते हैं और इंक्लूड कर लेते हैं सिर्फ फिजिकल एग्रेशन की आइटम्स को, तो जो जो हमारा एम होगा एग्रेशन को मेजर करने वाला वो कंप्लीट नहीं होगा. और अगर फॉर एग्जांपल हम फिजिकल एग्रेशन को एक्सक्लूड कर देते हैं और सिर्फ वर्बल एग्रेशन के आइटम्स को हम मेजर कर लेते हैं, तो हमारा जो एम होगा एग्रेशन को मेजर करने वाला वो तो वो भी कंप्लीट नहीं होगा. तो इसके लिए एग्रेशन को मेजर करने के लिए हमें हमारे पास दोनों डायमेंशन होनी चाहिए, वर्बल एग्रेशन की आइटम्स भी होनी चाहिए हमारे पास और फिजिकल एग्रेशन की आइटम्स भी हमारे पास होनी चाहिए. तो इस तरह हम क्या करेंगे, एग्रेशन को मेजर कर सकते हैं कि किसी को कितना, किस हद तक और कितना गुस्सा आया हुआ और किस टाइप का गुस्सा आया हुआ, इस तरह. नेक्स्ट जो हमें अभी तक हमने कंस्ट्रक्ट की हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, फिर हमने डायमेंशंस का देख लिया कि डायमेंशंस को, कंस्ट्रक्ट को हम डायमेंशंस में कैसे ब्रोकन डाउन करते हैं. अब नेक्स्ट हम करते हैं कि हमने उन डायमेंशंस को हम एलिमेंट्स में कैसे ब्रोकन डाउन करते हैं. तो इधर हम एग्जांपल लेंगे अचीवमेंट मोटिवेशन की. अचीवमेंट मोटिवेशन में क्या आता है कि इसमें अब हम एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं बिटवीन जेंडर एंड अचीवमेंट मोटिवेशन में. जेंडर जो होता है वो अब एक फीमेल है कि मेल है, ये हम इजीली मेजर कर सकते हैं कि जो हमारे पास आ रहा है जेंडर वो फीमेल है कि मेल है, वो हम इजीली मेजर कर सकते हैं. लेकिन जो अचीवमेंट मोटिवेशन है कि वो बंदा कितना मोटिवेटेड है अपने काम को अचीव करने में, ये हम इजीली मेजर नहीं कर सकते और ये सब्जेक्टिव एट्रीब्यूट है. इसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं, इसकी भी एक टेक्निक है, हम इसको ऑपरेशनलाइजेशन के थ्रू हम इसको मेजर कर सकते हैं. ऑपरेशनलाइजेशन में क्या क्या आता है, सबसे पहले कॉन्सेप्ट हमारे पास कोई होना चाहिए या कोई कंस्ट्रक्ट होना चाहिए, जैसे कि इसमें है अचीवमेंट मोटिवेशन. फिर उसको हम डायमेंशंस में ब्रोकन डाउन करेंगे, देन उनको हम आइटम्स या एलिमेंट्स में ब्रोकन डाउन करेंगे. ये हमारे पास पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आ गई है कि हम इसको कैसे हम अचीवमेंट मोटिवेशन को डायमेंशन में डिवाइड कर सकते हैं, फिर उसको हर डायमेंशन को हम एलिमेंट्स में कर सकते हैं. और जो एलिमेंट्स जो और हमारे पास जो आइटम्स होंगे उनका हम एक क्लोज एंडेड क्वेश्चनियर्स बनाएंगे जिसके थ्रू हम अपने कंस्ट्रक्ट को मेजर कर सकते हैं. अब अचीवमेंट मोटिवेशन जो हमारा कंस्ट्रक्ट है उसको हमने डायमेंशन में ब्रोकन डाउन किया. फर्स्ट डायमेंशन आ गई ड्राइवन बाय वर्क, सेकेंड अनेबल टू रिलैक्स, थर्ड इंपेशेंस विद इनफेक्टिवनेस, फोर्थ सीक्स मॉडरेट चैलेंज, फिफ्थ सीक्स फीडबैक. अब जो फर्स्ट हमारा डायमेंशन वन है उसका हमारा जो है ड्राइवन बाय वर्क, उसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं, उसको हम इस तरह कर सकते हैं कि एक बंदा जो है वो कॉन्स्टेंटली काम कर रहा है, जैसे 24 आवर्स में से वो 18 घंटे काम ही करी जा रहा है सिर्फ, और उसके कंपैरेटिवली एक बंदा है वो 24 घंटे में से सिर्फ 4 घंटे काम कर रहा है, बाकी वो घंटे कोकरिकुलर एक्टिविटीज़ या गेमिंग में या सोने में लगा रहा है. तो हम कौन सा बंदे को ज़्यादा डेडिकेटेड कहेंगे काम की तरफ है वो ज़्यादा डेडिकेटेड, या वो कौन सा ज़्यादा मोटिवेटेड है अपने काम को अचीव करने में. ऑब्वियसली जो 18 घंटे काम कर रहे हैं वो ज़्यादा मोटिवेटेड है अपने काम को अचीव करने में. इस तरह हम मेजरमेंट कर सकते हैं, इस तरह हम मेजर कर सकते हैं उस बंदे की अचीवमेंट मोटिवेशन. इसी तरह फॉर एग्जांपल हम नेक्स्ट एग्जांपल लें कि एक, अगर हम एम्प्लॉय के एग्जांपल लें, एक एम्प्लॉय जो है वो 1 मंथ में 6 छुट्टियां कर रहे हैं और उसी के कंपेरेटिवली अगर बाकी एम्प्लॉयज़ जो हैं वो 6 महीने में सिंगल छुट्टी भी नहीं कर रहे, तो इसका मतलब वो जो सिंगल छुट्टी भी नहीं कर रहे वो ज़्यादा डेडिकेटेड है अपने काम को लेकर. तो इस तरह हम ये कर सकते हैं अचीवमेंट मोटिवेशन को. सेम एज दिस के हम अपना डायमेंशन टू कैसे कर सकते हैं कि अनएबल टू रिलैक्स. एक बंदा जो है वो अगर ऑफिस से घर जाता है, घर जाके भी वो अपने ऑफिस का काम ही सोचता रहता है, अच्छा कल मैंने ये कंप्लीट करना है, मेरा आज का ये काम पेंडिंग है, मैंने कल ये काम करना है, और अपना टाइम स्केजुअल बनाता है कि इस टाइम पे मैंने ये काम करना है, इस टाइम पे मैंने ये काम करना है. वो अपने घर जाके भी सिर्फ अपने काम का ही सोचता रहता है और अपने काम के अलावा उसकी कोई और हॉबीज़ ही नहीं होती, उसको सिर्फ अपने काम से ही लेना देना होता है. तो वो उससे भी हम मेजर कर सकते हैं उसकी अचीवमेंट मोटिवेशन.
नेक्स्ट इज सेम एज दिस के इंपेशेंस विद इनफेक्टिवनेस अगर देखनी है, एक बंदा जो है वो इनएफिशिएंट लोगों के साथ जो स्लो काम जो स्लो काम करते हैं लोग उनके साथ काम ही नहीं कर सकता, और जो 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 इतने आसान काम भी छोटी छोटी मिस्टेक्स करते रहते हैं वो उनके साथ भी काम नहीं कर सकता, उसको गुस्सा आता है इस तरह के लोगों पर, तो वो उनके साथ काम नहीं कर सकता। इससे भी पता चलता है वो कितना डेडिकेटेड है अपने काम को लेकर। नेक्स्ट जो है सीक्स मॉडरेट चैलेंज, कि वो जो है चैलेंजिंग टास्क को ऑप्ट करता है रूटीन से हट के, जो रूटीन जॉब से हट के जो टास्क होते हैं जो उसको लगता है कि मैं ये करूँगा और ये बाकी लोगों से डिफरेंट हो जाएंगे, वो उनको ज़्यादा प्रेफरेंस देता है। इसी के साथ साथ अगर हम सीक्स फीडबैक देखें तो वो लोगों की जो उसके सुपीरियर्स होते हैं, कोवर्कर्स होते हैं, या तो फिर इवन के अपने सब ऑर्डिनेट्स होते हैं, उनसे भी वो क्या करता है फीडबैक लेता है। फीडबैक पॉजिटिव वे में भी मिल सकते हैं उसको, नेगेटिव वे में भी मिल सकते हैं। पॉजिटिव वे से वो और ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाता है, और जो नेगेटिव उसको आते हैं वो उनको भी एज अ पॉजिटिव वे में ही लेता है कि वो उससे और इम्प्रूव अपने आप को करने की कोशिश करता है। तो इससे भी पता चलता है कि वो अपने काम को लेकर कितना डेडिकेटेड है और अपने कितना मोटिवेटेड है अपने काम को अचीव करने में। तो अगर जब हमारे पास ये सारे एलिमेंट्स हमारे पास आ जाएंगे कि एक कि हम सारे एलिमेंट्स देख लेंगे, साथ में डायमेंशंस का हमारे पास डायमेंशंस भी मैयर हो जाएंगे, उसके साथ साथ जब हम ये सब कुछ मैयर कर लेंगे तो हमारे पास एक पूरा कंस्ट्रक्ट हमारे पास उसका मैयर आ जाएगा, मैयरमेंट हम कर सकते हैं कंस्ट्रक्ट की कि वो कितना मोटिवेटेड है अपने काम को अचीव करने में। इस तरह हम अचीवमेंट मोटिवेशन कंस्ट्रक्ट जो है उसको हम मैयर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ बता चलूँगी हम जब भी कोई चीज़ मैयर करेंगे, जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दिया अचीवमेंट मोटिवेशन की, मैंने एग्जांपल दिया जब भी हम कोई चीज़ मैयर करेंगे उससे पहले हमने लिटरेचर को लाजमी गो थ्रू करना होता है, क्योंकि लिटरेचर में क्या आता है, दोनों साइंटिफिक जर्नल्स भी होते हैं, स्केल हैंडबुक्स भी होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट सोर्सेज होते हैं एग्जिस्टिंग मैयर्स के। उसमें क्या होता है कि ना हमारे जो एकेडमिक जर्नल्स होते हैं उसमें एम्पिरिकल आर्टिकल्स पब्लिश हुए होते हैं जिसमें डिटेल डिस्क्रिप्शन होती है कोई स्पेसिफिक कंस्ट्रक्ट्स को कैसे मैयर किया गया है, उसमें कौन कौन से मैयर्स जो हैं वो यूज़ किए गए थे, कब और कहाँ पे मैयर्स को डेवलप किया गया है, कितनी देर तक मैयर्स को डेवलप किया गया है और किसने किया है, मतलब कि डिटेल डिस्क्रिप्शन हर मैयर के बारे में उसमें डिटेल डिस्क्रिप्शन होती है इन दोनों में, साइंटिफिक जर्नल्स और स्केल हैंडबुक्स में आर्टिकल्स में। तो लिटरेचर को गो थ्रू करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और लिटरेचर को गो थ्रू करने से और भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि हमें पता चल जाता है कि हम दूसरों की स्टडीज़ को वेरीफाई कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज को भी ऐड कर सकते हैं, साथ हमें ये भी एडवांटेज मिल सकता है कि हम अपना टाइम भी बचा सकते हैं, हमारी एनर्जी सेफ हो सकती है। तो इस तरह के एडवांटेजेस हमें लिटरेचर को पढ़ने से मिल सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट ऑपरेशनलाइजेशन इज नॉट, ऑपरेशनलाइजेशन क्या नहीं है। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि हम सोचते हैं कि अगर हमारा कोई भी हमारा कंस्ट्रक्ट है उसके नीचे हम डायमेंशन कोई भी ब्रोकन डाउन करके डायमेंशन लिख सकते हैं, मतलब कि कुछ लोग ये मिस्टेक कर लेते हैं कि कंस्ट्रक्ट को ही मतलब कि एज कंस्ट्रक्ट को ही एज अ डायमेंशन ब्रोकन डाउन कर देते हैं, तो ये बहुत रॉन्ग चीज़ हो जाती है। हमें डिफरेंस पता होना चाहिए कि कंस्ट्रक्ट क्या है, डायमेंशंस क्या हैं, और एलिमेंट्स आगे से और आइटम्स के आगे से हो सकती हैं जिनके बारे में हमने क्वेश्चंस पूछने हैं। तो ऑपरेशनलाइजेशन क्या नहीं है इसका हम कॉन्सेप्ट लेते हैं आगे। ऑपरेशनलाइजेशन क्या नहीं है, ऑपरेशनलाइजेशन कभी भी जो दो कॉन्सेप्ट होते हैं जो आपस में कोरिलेट कर रहे होते हैं उनको डिस्क्राइब नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल अगर अचीवमेंट मोटिवेशन है और साथ ही साथ सक्सेस इन परफॉर्मेंस है, सो इसमें क्या हमें पता चलता है सक्सेस इन परफॉर्मेंस कैन नॉट बी अ डायमेंशन ऑफ अचीवमेंट मोटिवेशन। कभी भी सक्सेस इन परफॉर्मेंस अचीवमेंट मोटिवेशन का डायमेंशन नहीं हो सकता। वाई, क्यों, क्वेश्चन आता है यहाँ पे, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सक्सेस इन परफॉर्मेंस एक अलग से कंस्ट्रक्ट बन सकता है जिसको आगे से हम ब्रोकन डाउन कर सकते हैं इनटू डायमेंशंस और उसके आगे से एलिमेंट्स हो सकते हैं। इसीलिए सक्सेस इन परफॉर्मेंस अलग एक कंस्ट्रक्ट हो सकता है, डायमेंशन मोटिवेशन अलग एक कंस्ट्रक्ट हो सकते हैं, सक्सेस इन परफॉर्मेंस कभी भी डायमेंशन नहीं हो सकता अचीवमेंट मोटिवेशन का। नेक्स्ट लास्ट में हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं अभी तक हमने ऑपरेशनलाइजेशन में क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। ऑपरेशनलाइजेशन में जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ऑपरेशनलाइजेशन में कोई भी सबसे पहले हमें कंस्ट्रक्ट या कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होती है, उसके बाद हमें चाहिए होता है, हमें उनको डिवाइड करना होता है, डिवाइड करते हैं डायमेंशंस में, फिर हम उनको ब्रोकन डाउन करते हैं इनटू एलिमेंट्स और आइटम्स में।
तो इसी तरह यहाँ पे भी बताया कि कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं, कॉन्सेप्ट्स दो तरह के हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव वेरिएबल्स हो सकते हैं और सब्जेक्टिव वेरिएबल्स हो सकते हैं। ऑब्जेक्टिव वेरिएबल्स जो होते हैं उनके लिए हम सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, लेकिन जो सब्जेक्टिव वेरिएबल्स होते हैं उनके लिए हमें स्पेसिफिकली क्लोज एंडेड क्वेश्चंस हमें पूछने चाहिए। सो यहीं भी होता है मेरा टॉपिक एंड, डेट्स ऑल, थैंक यू। उम्मीद है कि मैंने आपको इस टॉपिक के साथ जस्टिफाई किया होगा। अल्लाह हाफिज़।